हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मिठी। इस वीडियो में हम शुंगा डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य डायनेस्टी हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हम। चलिए शुंगा डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। ये मैप में आप देख सकते हैं शुंगा डायनेस्टी, ठीक है। ये शुंगा डायनेस्टी थी। अब शुंगा डायनेस्टी आई कैसे, उसको बताने से पहले आपको बता दूँ, हमारे सभी एनसीईआरटी सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू फॉर्मेट में कोर्सेज आते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। शुंगा एम्पायर, लास्ट मौर्य रूलर था अपने बृहद्रथ 185 बीसी में। इनके कमांडर इन चीफ थे, उन्होंने इसका कत्ल कर दिया। और वो जो कमांडर इन चीफ थे उनका नाम था पुष्यमित्र शुंगा। पुष्यमित्र शुंगा ही थे जिन्होंने शुंगा डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया। ब्राह्मण थे और ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे, रूढ़िवादी, जिसको आप कह सकते हो कि बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स और स्ट्रिक्ट हिंदुज्म अपनाते थे। पढ़ते हैं इनके बारे में कैसे इन्होंने जो है अपना वर्चस्व फैलाया। पुष्यमित्र शुंगा की बात करते हैं। पुष्यमित्र शुंगा एक ब्राह्मण थे और मौर्य का जो लास्ट रूलर था बृहद्रथ उनके आर्मी चीफ थे। मिलिट्री परेड के टाइम पे इन्होंने बृहद्रथ को मार दिया और खुद पब्लिक के सामने मारा था, शायद सबके सामने मारा था, और खुद जो है गद्दी संभाल ली। 185 में इन्होंने शुरुआत की थी, हालांकि कभी कभी 186 भी कहा जाता है, तो ये कोई डेट्स पत्थर की लकीर तो है नहीं, कह दिया ठीक है, एक अंदाज़ा होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस दिस वॉज एन इंटरनल रिवोल्ट अगेंस्ट द लास्ट मौर्य किंग। कुछ लोग कहते हैं कि इंटरनली सब कुछ सही नहीं चल रहा था तो रिवोल्ट कर दिया उनके खुद के आर्मी चीफ ने। और आप कह सकते हो कि मौर्य जिस तरीके से ओशो का पार्टिकुलरली बुद्धिज्म को अपनाया था, तो ब्राह्मणिकल रिएक्शन जो आया वो पुष्यमित्र शुंगा के बदले के रूप में आया। पुष्यमित्र शुंगा की कैपिटल पाटलिपुत्र में थी। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है बहादुरी से अटैक किए और कुछ अटैक्स को काउंटर भी किया। दो ग्रीक किंग्स थे, उनके भी अटैक्स को काउंटर किया। और कलिंगा किंग खरवेला, ये जैन किंग थे, पढ़ा होगा आपने इनके बारे में भी, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस उड़ीसा। तो जो जैन किंग थे इनकी तरफ से जो अटैक हुआ था इसको भी संभाल लिया, कॉन्क्वायर कर लिया विदर्भा को। ब्राह्मणिज्म तो मैं बता चुका हूँ पूरी तरीके से ये फॉलो करते थे और इतनी ऑर्थोडॉक्स थी, दूसरे धर्म को सहन नहीं कर पाते थे, इनटॉलरेंट नहीं थे, प्रोसिक्यूट करते थे बुद्धिस्ट को और स्तूपा डिस्ट्रॉय करते थे। लेकिन ये कुछ सबूत नहीं है इनके ऐसा था, क्योंकि आप देखोगे कि इनके टाइम पे सांची और बहुत स्तूपा भी बने थे। सांची में जो गेटवे था उस पर जो टोरेंट्स होते हैं, टोरेंट्स सांची जो स्तूपाज होते हैं मेनली, उन पर जो टोरेंट्स, आपने कभी देखा होगा गेटवेज होते हैं उन पर टोरेंट्स होते हैं, वो किसने लाए, वो शुंगा ने तो लाए थे। तो एक तरफ आप ये क्लेम करते हो और इसके तो एविडेंस है कि शुंगा डायनेस्टी कहते हैं, लेकिन इसके एविडेंस नहीं है कि वास्तव में प्रोसिक्यूट कर सकते। तो हो सकता है कोई एग्जीक्यूटेड क्लेम हो या फिर किसी ने यूं ही कह दिया, शक था। ब्राह्मण थे तो वैदिक सेक्रीफाइसेस अच्छे से किए, अश्वमेध, राजसूया, वाजपेयी, ठीक है। तो अश्वमेध यज्ञ जो हुए, ये सब अश्वमेध ने, ये सब पुष्यमित्र शुंगा ने करवाए। पतंजलि का नाम सुना होगा आपने, महाभाष्य के जो उथर थे, वो दो अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र शुंगा ने जो करवाए थे उनमें वे प्रिष्ट थे। तो बहुत स्तूपा और सांची स्तूपा के बारे में आप याद रखेंगे, और टोरेंट्स यानी कि जो फाइन गेटवेज इनके द्वारा ही इंट्रोड्यूस किए गए थे स्तूपास के स्तूपास में, ठीक है। संस्कृत ग्रामर जो के जो आप कह सकते हैं रचिता, जो मतलब एक बहुत फेमस जो थे ऑथर, वो थे पतंजलि, जिनके बारे में मैंने आपको बताया अभी महाभाष्य के ऑथर, इनके द्वारा ही, इनको ही पैटर्नाइज किया गया था पुष्यमित्र शुंगा ने, इनको ही किया था। पुराणास के अनुसार 36 साल तक वे राज्य किया और 151 बीसी में मर गया। के बाद अग्निमित्र है, अग्निमित्र बहुत फेमस भी हैं,
क्यों है बताऊंगा, लेकिन ये पुष्यमित्र संगा के बेटे थे और राज इन्होंने अच्छे से किया। लेकिन बात यह है कि इनके ड्यूरिंग दिस टाइम विदर्भा जो है इनके एम्पायर से जो कॉन्क्वायर किया था विदर्भा इसने पुष्यमित्र ने, अंगमित्र के अग्निमित्र के टाइम पे चला गया, छूट गया, ब्रोक अवे। अग्निमित्र जो है वो बेसिक, अच्छा कालिदास ने कविता लिखी थी, उसका नाम था मालविका अग्निमित्र। तो उसमें हीरो हीरोइन रहते हैं, तो जो हीरो जो थी, हीरो जो था वो अग्निमित्र था और हीरोइन जो थी वो मालविका थी। तो अग्निमित्र इसमें जो है वो ये है, ये शुंगा वाला ही अग्निमित्र है ना। इनके एक बेटे आए वासुमित्र, और वासुमित्र के भी सक्सेसर्स कुछ ऐसे नहीं है कि भाई साहब खतरनाक ही आए थे, ढंग से नहीं जानते। लेकिन ये पता है कि लास्ट में जो है वो देवभूति आया था, ठीक है, लास्ट किंग जो था देवभूति था। और देवभूति इतना जो है सक्सेसफुल नहीं रहा, खुद के उनके मंत्री वासुदेव काणवा ने इन्होंने मार दिया। तो शुंगा खुद जो अपने राजा को मार के आए थे, उनके खुद के लास्ट रूलर शुंगा डायनास्टी के आखिरी जो किंग थे उनको उनके ही मिनिस्टर वासुदेव काणवा ने मार दिया और इसने काणवा डायनास्टी बनाई। कानवा डायनेस्टी आपको दूसरे मैप में दिखाऊंगा। अभी पढ़ते हैं शुंगा रूल के इफ़ेक्ट्स। हिंदुज़्म काफ़ी अच्छे से रिवाइव हुआ, कास्ट सिस्टम तो रिवाइव होना ही था, ब्राह्मणिज्म बढ़ता चला गया, मिक्स कास्ट निकल के आई, फॉरेनर्स जो थे वो इंडियन सोसाइटी में शामिल होने लग गए, जो ग्रीक राजा थे वो इंडियन सोसाइटी में शामिल होने लगे और एज ए क्षत्रिय, बिकॉज देवर किंग्स और राजा, किंग राजा हमेशा क्षत्रिय होता है। संस्कृत की इम्पोर्टेंस तो बढ़ती ही, बुद्धिस्ट वर्क भी, ऐसा नहीं है कि बुद्धिस्ट वर्क नहीं हुए, हुए, लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि बुद्धिस्ट वर्क भी संस्कृत में होने लग गए, तो कितना फेमस कर दिया था इन्होंने। शुंगास ने आर्ट एंड आर्टिस्ट्री पैटर्नाइज किया, ह्यूमन फिगर्स और सिंबल्स भी बढ़ते चले गए, वह विहार चैत्य ये सब था। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि भरहुत स्तूपा, सांची स्तूपा, ये तो इनके टाइम में डेवलप हुआ ही था। ब्राह्मणिक का इन्फ्लुएंस ओवरऑल बढ़ा था, लेकिन बुद्धिज्म में भी कुछ काम हुआ था। भागवत रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, ये भी याद रखिएगा, वो इसमें लिखा नहीं मैंने लेकिन आप याद रखिएगा। तो ओवरऑल ये जो है इफेक्ट शुंगा रूल के हुए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।